बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मटन मसाला रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पाव के करीब है मेरे पास मटन, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके पानी इसका कर लिया है स्ट्रेन और शामिल कर दिया है इस पैन में। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद प्याज, बिल्कुल मुनासिब साइज के, बहुत ज्यादा नहीं, बस 2 अदद ही शामिल करेंगे। और 1 अदद हम इसमें शामिल कर लेंगे रफली कट किया हुआ टमाटर, और 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक सी कट करके वो शामिल कर देंगे जी। तो ये तीनों चीजें शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुछ स्पाइसेस। ये है मेरे पास 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टीस्पून। 1 पिंच के करीब है मेरे पास हल्दी। बिल्कुल लाइट से स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि मैंने इसमें तिक्का मसाला भी शामिल करना है इसलिए जी। तो ये है मेरे पास तिक्का मसाला, रेडीमेड तिक्का मसाला जो होता है, कोई भी कंपनी का आप शामिल कर ले। मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 टेबल स्पून, चूंकि गोश्त की मिकदार मुनासिब सी है, बस 1 पाव है तो इतना ही काफी होगा। खाली तिक्का मसाला शामिल करके भी आप रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दूसरे स्पाइसेस भी शामिल किए हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर दिया है पानी। दूसरे स्पाइसेस जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, इससे ज़रा इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल किया है, गोश्त का अपना पानी भी होता है, हम इसको कुक करेंगे। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं डालना भूल गई थी, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको कवर कर दिया है, अब हम इसको गला लेंगे। तो ये देखें, पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, 40-45 मिनट इसको लगे हैं बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, और जो है ना गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भून लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही। दही हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच जी। तो ये देखिए 2 चम्मच के करीब मैंने दही इसमें शामिल किया है। अब इसी स्टेज पे दही के साथ ही मैं इसमें घी शामिल कर दूंगी, 2 से 3 चम्मच ही मैं इसमें घी शामिल करूंगी, इतना ही काफी है। तीन चम्मच में इसमें घी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको बेहतरीन तरीके से भून लूंगी, कुक कर लूंगी, यहाँ तक कि ये सारा दही का पानी, जो हमारा मटन है इसका पानी, सारे स्पाइसेस सब कुछ अच्छे से भून जाए, बिल्कुल ये जबरदस्त सा ड्राई फॉर्म में आ जाए जी। तो ये देखिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ, यहाँ तक कि ये अच्छे से भून जाएगा, इसका कलर चेंज होगा पानी, इसका सब कुछ जो है ना, इसमें दही का पानी जो है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। जी तो ये देखिए मैंने इसको इतना भुना है, ये देखिए जबरदस्त सा बेहतरीन सा ये रेडी हो गया है मसाला, बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, गोश्त भी रेडी हो चुका है। बस अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये थी क्विक एंड इजी मटन टिक्का मसाला की रेसिपी, होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।